अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टिकटॉक में आपको वेलकम है। व्यूवर्स, आज की मैं इस वीडियो में आपको एक बाजू का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले ये मैंने जो है बाजू का कपड़ा लिया है। कपड़ा लेने के बाद व्यूवर्स, इसकी जो है मैंने कोई कटिंग नहीं की, सीधा मेरे पास इसकी सिर्फ लेंथ और इसका जो शोल्डर है वो मैंने उतार लिया है। इसकी लेंथ व्यूवर्स मैंने जो है 20 इंच रखी है, 20 इंच रखी है मैंने इसकी लेंथ। और इसके जो कंधा है, कंधा मैंने इसका 7 इंच रखा है व्यूवर्स। इसके बाद जो है सबसे पहले मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए व्यूवर्स, इसके जो है मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है इसके लिए। और व्यूवर्स, यहाँ पे मैं जो है इसके शोल्डर से थोड़ा सा नीचे लेंथ, यहाँ से जो है इसके दरमियान में करके जो है डिज़ाइन बनाऊँगी। और उसके अंदर ये मैं व्यूवर्स, मेरे पास खूबसूरत से जो टसल्स हैं मैं ये यूज़ करूँगी, डिफरेंट टसल्स। ये मेरे पास छोटे छोटे से टसल्स हैं और मेरे पास 2 टाइप्स के जो हैं वो पर्ल्स पड़े हुए हैं। एक गोल्डन कलर में है, एक मेरे पास वाइट कलर में है। मैं ये लगा के आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी कि एक जो है सिंपल प्लेन कपड़े पर भी हम खूबसूरत सा जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके लिए व्यूवर्स, आपको जो है ये पेस्टिंग पेपर लेना है। लेने के बाद व्यूवर्स, इसके यहाँ पर करके मैं आपको डिज़ाइन की जो है कटिंग करना पहले बताऊँगी और फिर उसको बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ये जो है टफली चिप्स ली है। लेने के बाद व्यूवर्स, आप यहाँ से बाजू नाप लीजिए। आपने लंबाई से 2 इंच जो है वो नीचे जो है स्टार्ट करना है डिज़ाइन बनाना। सो आप यहाँ से लेकर तकरीबन 8 इंच तक हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। हमने जो डिज़ाइन के यहाँ पर जो चिप्स काटनी है वो मैं 8 इंच काटूँगी। सबसे पहले मैं 8 इंच का जो है एक निशान लगाऊंगी यहाँ से यहाँ तक। मैं इसका जो है डिज़ाइन बनाऊंगी। बनाने के लिए व्यूवर्स, आपने जो है इसको 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करना है। व्यूवर्स, इसका जो डिज़ाइन है वो मैं 7 इंच पे बनाऊंगी ताकि जो मेरे पास है मेरे जो डिज़ाइन बनेगा वो बिल्कुल इक्वल बनेगा। मैं जो 7 इंच है इसको पहले हाफ पे डिवाइड करूँगी। ये मेरे पास 3.5 इंच बनता है, मतलब अगर मैं सवा दो इंच का जो है एक जो यहाँ पे ब्लॉक बनाऊँगी तो मेरा 7 इंच पे जो है वो पूरा उतरेगा। ये देखिए 2.25 इंच का मैं अगर करके बनाती हूँ तो ये मेरा डिज़ाइन बिल्कुल सही से बन जाएगा। व्यूवर्स, इसके लिए मैं जो है यहाँ पे इस तरह से कट लगाऊंगी, इस तरह से। व्यूवर्स, इस तरह से ड्रॉ किया। ड्रॉ कर लेने के बाद मैं जो है इसको कट करूँगी। कट करके फिर आपने जो बाकी 2 कट लगाने हैं वो सेम इसी नाप के लगाने हैं, इसलिए आपने ये जो दरमियान वाला आप काट के रखेंगे इसी को नाप के और दूसरे की जो कटिंग है वो भी आप इसी के इक्वल कर लीजिए। इस तरह से व्यूवर्स, ये देखिए ये 1 कट लग गया। सेम इसी तरह आपने इसको नाप वाले को जो है दूसरा जो था इसका दरमियान वाला इसको इस तरह से इक्वल करके आप यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। यूं और सेम इसी तरह से हम इसका अगला भी निशान लगा के उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने जो है इक्वल 1 ही नाप के जो हैं यहाँ से कट जो है वो लगा दिए हैं। ये 3 मैं कट बना रही हूँ। आप चाहें तो ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये डिज़ाइन जो है आप गले पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप गले पे बनाते हैं या ट्राउज़र पे बनाते हैं तो इसको नीचे से कवर करने के लिए हम इसके नीचे कपड़ा लगा देंगे। बाजुओं पे मैं कोई कपड़ा नहीं लगाऊंगी। ये इसी तरह से मैं 3 कट बना के बाजू पे डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो ये डिज़ाइन आप फुल स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। मैं ये सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द आर्म जो है मैं बना रही हूँ, सिर्फ यहाँ से जो है 7 इंच जो है बाजू की जो है दरमियान में करके मैं बनाऊंगी। मैं नीचे तक ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही। मैं ये जो डिज़ाइन है ये सिर्फ
ऊपर ऊपर बना रही हूँ, आप चाहें तो इस डिज़ाइन को नीचे बाजू के बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। अब व्यूअर्स, ये जो डिज़ाइन है मैंने बनाया, इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया। मैं इसको अब पेस्ट करूँगी कपड़े के साथ, प्लेन कपड़े के हम के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे, और उसके बाद मैं इसको आपको बाजू के ऊपर लगाना इसको बताऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने जो है पेस्ट कर लिया सेम कपड़े के ऊपर। करने के बाद व्यूअर्स, इनको जो है ये दरमियान से मैंने कट लगा लिया और इनको काट के हाफ हाफ पीस कर लिया। अब व्यूअर्स, आपने करना ये है कि आप इसके जो साइड का कपड़ा है इसको जो है यूँ अंदर की साइड को हम फोल्ड कर देंगे यूँ, ताकि ये जो है नीट सा बन जाए। व्यूअर्स, इसके हमने ये जो सिलाई है ये लगा ली, रफ सी मैंने सिलाई लगाई है ताकि बाद में जब हम इसको सिलाई लगाएं तो हमें मुश्किल ना हो। अब व्यूअर्स, हमने बाजू लेना है, बाजू के जो है यहाँ पे निशान जो लगा हुआ है, इसी निशान पे हमने इंची टेप से 2 इंच नाप के नीचे से हमने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ से हम इसको यूँ रखेंगे इस तरह से, और साथ साथ इसके जो है चिप्स के बिल्कुल साथ साथ करके हमने इसकी सिलाई लगानी है। व्यूअर्स, आपने जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल चिप्स के साथ साथ लगानी है, चिप्स के ऊपर नहीं लगानी। इस तरह से सेम इसी तरीके पे व्यूअर्स, आपने जैसे ये सिलाई लगाई है मैंने यहाँ यहाँ पे जो मैंने बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई है, सेम इसी तरीके पे हम इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो है सिलाई अपनी लगा ली है। व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ इसलिए बताया है कट करके इसको दरमियान से, ताकि जो बिगनर्स हैं वो आराम से कर सकें। अगर आप पहले से स्टिचिंग जानते हैं तो आप इसको इसी तरह से बिल्कुल पूरा रहने दीजिए, और इसको इसी तरह ब्लॉक वाइज जो है यहाँ से ब्लॉक टू ब्लॉक आप इसके सिलाई लगा सकते हैं, इसको दरमियान से आप कट नहीं कीजिए। अब व्यूअर्स, इसके बाद जो मैंने काम करना है वो मैंने इसके ये जो हैं ब्लॉक्स, इसकी कटिंग करनी है। दरमियान से आपने हल्का सा कट लगाना है, लगाने के बाद व्यूअर्स आपने इससे यूँ साइडें जो हैं इसकी बिल्कुल रिमूव कर देनी है, दरमियान में से सारा कपड़ा जो है इसका रिमूव कर देना है। करने के बाद
फिर हम इसको जो है दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे इस तरह से। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से कट लगाते जाइए और अंदर का जितना भी कपड़ा है उसको आप निकाल दीजिए। इस तरह रिवर्स इस तरह से करके आपने अंदर का जितना भी फालतू कपड़ा है वो आपने निकाल देना है। निकालने के बाद आपने इसके यूं जो नोके हैं वहाँ वहाँ पे आपने एक एक कट लगाना है ताकि कपड़ा अंदर की साइड को अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। सेम इसी तरह से हमने जो है इसके जैसे ये एक ब्लॉक खाली किया है, हमने ये बाकी जो दो ब्लॉक हैं इसको भी खाली कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको जो है प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इसकी ये जो साइड है ये नीचे को बिठा ली। बिठाने के बाद व्यूअर्स जो इसके जो दरमियान के कटा हैं, मैंने यहाँ पे जो दरमियान में जो होल है यहाँ पे जो रास्ता है मैं इसको बंद करूँगी। सुई में आप धागा डालिए, धागा डालने के बाद इसको उल्टा करके बिछा लीजिए और यहाँ से जो है नोक से पकड़ के आपने इस जगह पर दूसरी नोक पर ले कर जाना है धागा, और इस तरह से करके इसको आपने जो रास्ता है इसको बंद कर देना है। और आपने ये ट्राई करनी है कि जो आपका धागा है ना वो ऊपर वाली साइड पे नज़र नहीं आए। इस तरह से करके दो तीन दफ़ा टांके लगा के आपने इसको पक्का करना है। करने के बाद इसका जो नेक्स्ट काम है वो ये है, ये देखिए इस तरह से जो मेरा डिज़ाइन है वो ये बन गया इस तरह। व्यूअर्स अगर आप जो है इस पे इस जगह पे जो नीचे वाला जो कपड़ा है वहाँ पे अगर आप चाहें तो आप सिलाई लगा लीजिए, लेकिन अगर आप इस जगह पे तरपाई करते हैं तो ज़्यादा नीट लगेगी, इसलिए मैं इस हिस्से की जो है वो तरपाई करूँगी। इसके बाद व्यूअर्स इसमें जो है मैं टसल लगाऊँगी। ये जो मेरे दरमियान में जो मेरा डिज़ाइन बना है यहाँ पे मैं जो है इस जगह पे जो है वो मैं टसल लगाऊंगी पल्स के साथ। यहाँ से जो है मैं एक टांका उठाऊंगी बाहर की तरफ इस तरह। इस तरह से करने के बाद व्यूअर सबसे पहले मैं जो है ये एक गोल्डन कलर का मेरे पास पर्ल है, मैं ये सुई में परोंगी। इसके बाद मेरे पास ये एक वाइट कलर का पर्ल है, इसको मैं सुई में परोंगी इस तरह। इस तरह से दो मोती जो हैं पिरोने के बाद व्यूअर्स इसके अंदर ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रिस्टल का जो है ये पर्ल है। ये देखिए ये क्रिस्टल का पल है, इसको मैं इधर अटैच करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें इसी के साथ ये पिरोऊंगी यूँ। इस तरह से पिरोने के बाद मैं जो है यूँ इस तरह से जब मैं इसको पिरोऊंगी यूँ, फिर व्यूअर्स मैं ये वाइट पर्ल और ये जो ब्राउन वाला मेरा गोल्डन कलर का पर्ल है इसके अंदर से दोबारा से सुई लेके जाऊंगी ताकि ये जो मेरा ये क्रिस्टल वाला जो बड़ा मेरे पास टसल है वो इस तरह लटकन में आ जाए। इस तरह से लगा के इसको मैं अब बैक साइड पे जाके यहाँ पे जो है वो पक्का करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से जो मेरा टसल है वो यूँ नीचे लटकन की तरह रहेगा। इसी तरह से व्यूअर्स जैसे ये मैंने एक बनाया है सेम इसी तरीके पे मैं ये दूसरे पे भी लगाऊंगी, इसी तरह से मैं तीसरे पे भी लगाऊंगी। व्यूअर्स अगर आप ये इस तरह से टसल नहीं लगाना चाह रहे, आप इसको सिंपल जो है उसी तरह से भी बाजू पहन सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको सिंपल जो इसका डिज़ाइन है वो बताया था, आप इसको वैसे भी पहन सकते हैं।
ये आप बगैर टसल लगाए भी पहन सकते हैं। आप नहीं चाह रहे कि आप इस जगह पे पर लगाएंगे, आप इस जगह पे सिर्फ एक एक पर लगा लीजिए, आप उस तरह से भी पहन सकते हैं। मैं आपको वन पल उस जगह पे भी लगा के बता देती हूँ। आप सिंपल इस जगह से एक जो है टांका उठाएंगे बाहर को, दरमियान वाली साइड से यहाँ से उठाइए। उठाने के बाद आप इसके अंदर पल पिरोइए। ये देखें व्यूवर्स, मैंने जो है एक ऊपर टसल लगाया है, नीचे वाली साइड पे मैंने एक जो है वो पर लगाया है। व्यूवर्स, आप इस तरह से भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। आप दूसरी साइड नीचे वाला जो है यहाँ पे आप एक और जो है टसल जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह से करके भी आप ये बना सकते हैं डिज़ाइन। आप इस तरह से भी करके डिज़ाइन अपना जो है वो बना सकते हैं। व्यूवर्स, सेम जो डिज़ाइन है इसी तरह से मैं जो नीचे है दरमियान में अपना पर्ल ही रहने दूंगी और नीचे वाली साइड पे मैं एक और जो है वो टसल उसको टांग दूंगी। इस तरह से करके व्यूवर्स मेरा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का एक पर्ल लगाऊंगी, उसके बाद एक वाइट पर्ल पिरोऊंगी और साथ ही मैं इसके जो है वो टसल लगा दूंगी इस तरह से, और साथ एक इसके टसल पिरो के इसको ये दोबारा ये जो पर्ल है वाइट वाला इसके अंदर से मैं धागा जो है अपना वो वापस लेके जाऊंगी इस तरह दूसरी साइड पे। इस तरह से करके मैं अपना जो दूसरा टसल है इसको भी लगा लूँगी और यहाँ से बैक साइड से इसको पक्का कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह ये जो मेरा डिज़ाइन है ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फ्रंट साइड का इसका जो है वो कटिंग करेंगे, बाजू ऊपर से कंधा कटिंग करेंगे और फ्रंट साइड जो है इसके बाजू कटिंग करके उसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से शोल्डर जो है वो उसके साथ शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स मेरा ये जो डिज़ाइन है टसल्स के साथ, मैंने आपको पर्ल्स और टसल के कम्बिनेशन के साथ आपको जो मैंने ये डिज़ाइन बनाना बताया है ये आपको पसंद आएगा। इस तरह से ये डिज़ाइन बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। व्यूवर्स, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।